रुमा प्लीज जिद मत करो, तुम डॉक्टर अवस्थी का इस एक्सपेरिमेंट में साथ नहीं दोगी, प्लीज। रोहन तुम्हें क्या हो गया है, इसमें नुकसान तो कुछ नहीं है। नुकसान? रुमा ये एक एक्सपेरिमेंट है और तुम जानती हो कि ये एक्सपेरिमेंट अगर असफल रहा तो कुछ भी हो सकता है और मैं तुम्हें किसी किस्म का रिस्क लेने नहीं दूंगा। रोहन तुम सिर्फ एक तरीके से ही सोचते हो, ओनली फ्रॉम द नेगेटिव साइड। नामुमकिन काम भी मुमकिन किया जा सकता है और अगर हम इस एक्सपेरिमेंट में सफल रहे तो हमें कितनी प्रसिद्धि मिलेगी, धन दौलत चान शौकत क्या क्या नहीं मिल सकता रोहन, तुम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर तुम इस तरह डरते रहोगे ना तो फिर कभी कुछ नहीं होगा। हाँ बोल रहा हूँ जी, दे देता हूँ। डॉक्टर अवस्थी, रुमा प्लीज ना बोल दो। हेलो। हाँ हेलो रुमा, मैं डॉक्टर अवस्थी बोल रहा हूँ, गुड न्यूज है। हाँ अमरनाथ कपूर जी का फोन था, उन्होंने कहा कि उस दिन से उन्हें वो सपना फिर से नहीं आया। ओह गॉड, ये तो बहुत अच्छी खबर है, मैं रोहन को अभी बताती हूँ। अच्छा रोमा, शाम को मैंने और एक नए पेशेंट को बुलाया है। अच्छा मैं जरूर आऊंगी, ठीक है। रोहन, और रोहन गेस व्हाट, हमारा एक्सपेरिमेंट सफल रहा, अमरनाथ कपूर वो पेशेंट हमारा, उसको दोबारा सपना नहीं आया। ओह गॉड रोहन, मैंने तुम्हारी मुस्कुराहट से ये अंदाजा लगाया। रोहन आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ ज्यादा खुशी तो तब होगी जब हम सारे पेशेंट्स को एक एक करके ठीक कर देंगे। आपने बताया नहीं डॉक्टर कि आज कौन आने वाला है? हाँ आज की केस थोड़ी चैलेंजिंग है डॉक्टर, इसी में तो मजा है। अच्छा तो ठीक है, देखते हैं। हाँ उस लड़के को अंदर भेज दो, आ रहा है, उसका नाम है आलोक। आलोक, कम 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 कम। जी नहीं, मैं बैठूंगा नहीं, आप मुझे बैठने के लिए मत कहिए। वो क्या है ना, मैं बैठूंगा तो तुम इतने घबराए हुए क्यों? जी नहीं, वो मैं पहले से ही, पता नहीं ऐसा क्यों होता है पर मैं कुछ ज्यादा ही नर्वस हो जाता हूँ। यहाँ इस कमरे में हमारे सिवा तो कोई और नहीं है ना? नहीं, हमारे सिवा यहाँ और कोई नहीं है, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। ये रोमा है। हाय, आई एम रोमा। जी मैं आलोक। अब अपने बारे में हमें कुछ बताओगे?